झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चों के साथ मिलकर छठ व्रतियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य देकर आस्था के महापर्व छठी मैया की पूजा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, इस छठ महापर्व में उन्होंने छठी मैया से झारखंड वासियों की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। मुख्यमंत्री सपरिवार रांची के नक्षत्र वन स्थित हटनिया तालाब पहुंचे तथा सैकड़ों व्रतियों के बीच छठ पूजा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा, छठ महापर्व सूर्य भगवान की आराधना के लिए अपनी पहचान रखता है। छठ महापर्व प्रकृति की पूजा का प्रतीक है। प्रकृति पर आस्था और उससे जुड़ाव भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। हमारी माताएं बहने 72 घंटे का व्रत रखकर भगवान भास्कर की आराधना करती हैं। वो चला है और जो पुराना उत्साह है उस उत्साह को और उत्साहवर्धक बनाने का प्रयास यहाँ के जनमानस ने किया है। आज उसी क्रम में छठ पर्व का ये त्योहार चल रहा है और आप देख रहे होंगे, ये तो एक तालाब पर आप दृश्य देख रहे हैं। पूरे झारखंड में आप जाए, तालाब, नदी, सभी जगह अपार भीड़ के साथ छठ की तैयारी और छठ पर्व का कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर मैं पूरे श्रद्धालुओं को और पूरे झारखंड वासियों को और छठ मनाने वालों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, दोनों परिवारों से आपने मुलाकात की, आपने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंच होगी। देखिए, अब इतने सारे लोग इतने श्रद्धा और उमंग के साथ मना रहे हैं, मन तो बहुत करता है कि और लोगों के बीच में रहे, लेकिन कई चीजों की जिम्मेवारी की वजह से हम सिर्फ अपने इस परंपरा को और आगे बढ़ाने का एक जो प्रयास है उस प्रयास को हम में शामिल होने का प्रयास करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।